प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की म्यूजियम की फोटो, कहीं ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुंबई के नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किया है। इस दौरान समारोह में बॉलीवुड और मनोरंजन जगत के तमाम सितारों ने शिरकत की। कई सारे सेलिब्रिटी ने इस समारोह का हिस्सा बनकर खुद को सम्मानित महसूस किया और प्रधानमंत्री मोदी के संग सेल्फी भी खिंचवाई। समारोह में पीएम मोदी काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने भाषण के दौरान समाज में फिल्मों के जरिए हो रहे सकारात्मक बदलाव के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर समारोह के दौरान की तस्वीरें भी शेयर की। डायरेक्टर ने किया था मेरा यौन उत्पीड़न, समझने में लगे कई साल सौरा। जी हाँ दोस्तों, मी टू मूवमेंट से लेकर कई संवेदनशील मुद्दों पर मुखर रहने वाली एक्ट्रेस सौरा भास्कर ने हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया है। सौरा ने कहा कि एक डायरेक्टर ने वर्क प्लेस पर उनका यौन उत्पीड़न किया था, हालांकि उस समय वे इसे समझ नहीं पाई थी। उन्होंने कहा, जब मैंने किसी और महिला को इस तरह के अनुभव के बारे में एक पैनल में बात करते हुए सुना, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ जो हुआ था वो यौन उत्पीड़न था। मुझे इस बात को समझने में 6 से 8 साल लग गए थे। चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, होंगे कई लाभ। जी हाँ दोस्तों, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 21 जनवरी 2019 को लगने वाला है। इस साल में कुल 2 बार चंद्रमा को ग्रहण लगेगा, जिसमें पहला ग्रहण सोमवार 21 जनवरी को लगने वाला है, तो वहीं दूसरा ग्रह आखिरी चंद्र ग्रहण 16 जुलाई को लगने वाला है। 21 जनवरी को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा सामान्य से 15% ज्यादा बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आएगा। लगभग 15 दिनों तक इस चंद्र ग्रहण का असर रहेगा। चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने और इससे लाभ पाने के लिए चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार इन चीजों का दान करना जरूरी है। मेष राशि। मेष राशि वाले ग्रहण के बाद लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल, साबुत, हल्दी आदि का दान करें। ग्रहण काल के बाद किसी निर्धन को खाना भी खिलाएं, इससे मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। वृषभ राशि। इस राशि वाले ग्रहण के बाद हल्के गुलाबी कपड़े और साबुत चावल का दान करें। ग्रहण काल के बाद किसी गौशाला में गाय को चारा खिलाएं, सेहत की समस्या दूर होगी। मिथुन राशि। इस राशि वाले कम से कम 5 गायों को हरा चारा खिलाएं, हरी मूंग और हरे कपड़े का दान करें। ग्रहण काल के बाद किसी किन्नर को खाना खिलाएं, भाई बहन में आपसी प्यार बढ़ेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोग चंद्र ग्रहण के बाद जरूरतमंद लोगों को सफेद कपड़े का दान करें, शिव के मंत्र का जाप करते रहें, इससे आपका मानसिक तनाव दूर होगा। सिंह राशि। इस राशि वाले सभी लोग चंद्र ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें, गेहूं, गुड़ और कपड़ों का दान करें, इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। कन्या राशि। इस राशि वाले सभी लोग चंद्र ग्रहण के दौरान अपने माता पिता की सेवा करें, जरूरतमंद लोगों को अन्न आदि का दान करें, इससे आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा। तुला राशि। तुला राशि वाले सभी लोग ग्रहण काल के दौरान श्री सूक्त का 11 बार पाठ करें, जरूरतमंद लोगों में खिचड़ी का दान करें, इससे आपकी प्रॉपर्टी के विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। वृश्चिक राशि। इस राशि के सभी लोग ग्रहण काल के दौरान 27 बार बजरंग बाण का पाठ करें, ग्रहण के बाद कम से कम 11 लोगों को मीठा दलिया दान करें, ऐसा करने से आपको ईश्वर की मदद मिलेगी। धनु राशि। धनु राशि वाले सभी लोग ग्रहण काल के दौरान भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का 7 बार पाठ करें, साथ ही साथ गाय को केला खिलाएं, जरूरतमंद लोगों में कपड़ों का दान करें, इससे आपके पारिवारिक वाद विवाद खत्म होंगे। मकर राशि। इस राशि के सभी लोग ग्रहण काल के दौरान सुंदरकांड का पाठ करें, ग्रहण के बाद जरूरतमंद लोगों को तिल का लड्डू का दान करें, हो सके तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, नौकरी की समस्या खत्म हो जाएगी। कुंभ राशि। इस राशि के सभी लोग ग्रहण काल के दौरान हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करें, तिल के लड्डू के साथ साथ अन्न का भी दान करें, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, इससे व्यापार की समस्या खत्म होगी। दोस्तों, ऐसे ही और अधिक रोचक खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।